मैं गे हूँ, अगर आपको एक्सेप्ट करना है आप करिए, आपको नहीं करना आप मत करिए, बट मैं अपने आप को बदल लेने वाला जैसे आप मुझे चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम कल ही पैदा हुए हैं और कल ही हम अपने आप को प्योर डिक्लेयर किए हैं, ये ऐसी बात है जो 100 साल पहले से होता आ रहा है, राइट? हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीपल्स पंचायत। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट और ऐतिहासिक दिन था आज देश के लिए। सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट देना था सेम सेक्स मैरिज के लीगल रिकॉग्निशन के ऊपर। साल 2018 में जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स हैं उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया। उसके बाद हाल ही में अभी इसी साल मई में अप्रैल में पिटीशन फाइल किए गए थे सेम सेक्स मैरिज के लीगल रिकॉग्निशन को लेकर। उसके ऊपर एक पाँच जजेस की बेंच बनाई गई जिसमें हियरिंग चली। 10 दिन तक पूरा मामला चला, 40 घंटे तक हियरिंग चली। 11 मई को जो जजमेंट था वो रिजर्व किया गया था और आज फाइनली जाके वो वर्डिक्ट आना था सेम सेक्स मैरिजेस के ऊपर। वर्डिक्ट आ चुका है और वर्डिक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अबव दी सोशल मोरालिटी, यानी कि सेम सेक्स मैरिज के अंदर अगर दो सेम सेक्स के लोग एक साथ शादी करना चाहते हैं और उसकी शादी को आप रजिस्टर करना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, तो वो सोशल मोरालिटी के हिसाब से सही है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं देते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर किसी भी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट चेंज कर पाए या इस तरह का कोई भी नया कानून बना पाए। इसको रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है लीगल भाषा में। ये अधिकार लेजिस्लेचर के पास होता है, यानी कि देश की सरकार के पास होता है जो संसद में बैठ के कानून बना सके। अब फाइनल अपडेट ये है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी जिसको लीड करेंगे देश के कैबिनेट सेक्रेटरी, जो यूनियन गवर्नमेंट के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो लीड करेंगे। और ये कमेटी आखिर में तय करेगी डिस्कशन करने के बाद कि क्या फैसला लिया जाना चाहिए, क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर इस इंटरप्रिटेशन को ऐड करना चाहिए जिससे कि दो सेम सेक्स के लोग अपनी शादी को रजिस्टर कर सके। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो आए हुए थे आज इस वर्डिक्ट के ऊपर सपोर्ट करने के लिए, ऑप्टिमिज्म का सेंस लेकर यहाँ पहुँचे थे कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है और क्या फैसला नहीं सुनाता है। अब उनका जब वर्डिक्ट आ गया है तो इन लोगों से एक बार बात करने की मैं कोशिश करूँगा। लेट्स हियर टू देम, उनसे एक बार सुनते हैं, समझते हैं कि हाउ आर दे रिएक्टिंग टू इट। जो वर्डिक्ट आया इट सीम्स टू बी मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द LGBTQ कम्युनिटी, बट ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट वॉज बॉन्ड अबाउट बाई दी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप किस तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहे हो? आर यू हैप्पी कि जो राइट्स अभी दिए गए हैं अडॉप्शन को लेकर, मेडिकल क्लेम्स को लेकर और भी बहुत चीज़ों को लेकर बात की गई है? सी, नेगेटिविटी पे फोकस करके मैं वैसे भी घर कुछ लेकर जाऊँगा नहीं, मैं खाली आ जाऊँगा। अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड पर देखूँ तो मैं अपने घर अपने साथ नॉमिनी राइट्स, हेल्थ अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन राइट्स, सेफ्टी राइट्स, अवेयरनेस राइट्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सब कुछ अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो अगर डिप्लोमेटिक डिसीजन आया तो मैं उसके पॉजिटिव साइड पे फोकस कर रहा हूँ कि मेरे को वैसे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे आप हर्ट होंगे। होप थी, फेथ थी, कहीं ना कहीं वो पूरी हुई है। आज से 5 साल बाद कहीं ना कहीं फिर थोड़ी होप बढ़ेगी कि शायद लीगलाइज हो सके। तो ठीक है, अब उन्होंने अगर आपको ऑर्डर किया कि आप कमेटी बना के बात करिए तो शायद हम अपने पक्षपात जो है अच्छे से रख सकते हैं। तो अगर हमने वो अच्छे से रखे तो शायद वो समझ सकते हैं 5 साल बाद आप और मैं यहीं पे खड़े होकर बात कर रहेंगे। ऑल्दो अभी लीगलाइज रिकॉग्निशन नहीं दिया गया या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट नहीं किया गया, लेकिन आपको लगता है कि जो अभी वर्डिक्ट आया है उसके चलते कम से कम एक अवेयरनेस सोसाइटी में ज्यादा स्प्रेड होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में? पीपल विल बी मोर अवेयर। डेफिनेटली होने वाला है। 5 साल पहले जो 377 डिक्रिमिनलाइज हुआ था बहुत सारे लोग बाहर निकल गए थे, मैं खुद उस टाइम पे बाहर आया था, यू नो, कि मैं गे हूँ, अगर आपको एक्सेप्ट करना है आप करिए, आपको नहीं करना आप मत करिए, बट मैं अपने आप को बदल लेने वाला जैसे आप मुझे चाहते हैं। तो आज अगर वो वर्डिक्ट आया तो और लोग बाहर आएंगे कि हम बच्चा कर सकते हैं, हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, हम अपने पार्टनर पे क्लेम कर सकते हैं, हम लोग गलत नहीं है। आप अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, ठीक है? राइट टू फॉर्म अ यूनियन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, दैट्स व्हाट द सुप्रीम कोर्ट। यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट एनी पर्संस लॉ टू, यू नो, हैव अ हैप्पी फैमिली। आई कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट क्योंकि आप बच्चे नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बस स्टार्टिंग से हम लोग वो चीज देखते नहीं आए। तो शायद कहीं ना कहीं हम अगर उस चीज को लेके आ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि हम गलत है, हम गलत नहीं है, बस थोड़े से अलग है। बिफोर आई कंक्लूड दिस कन्वर्सेशन एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कमेटी बनाई जाएगी, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब उसको लीड करेंगे, सेंटर नेवर सीम टू बी कोइंसाइडिंग विद दिस थॉट। सॉलिसिटर जनरल साहब ने जो डिबेट्स रखे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई 2018 में आपने डिक्रिमिनलाइज तो किया था बट राइट टू मैरिज इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, राइट? तो इस तरह की डिबेट्स वहां से देखने को मिली। राइट टू एक्सप्रेस लव एंड कंपैशन को लेकर ज्यादा ये नहीं कहा गया कि भाई इम्पॉसिबल नहीं, इट कैन बी एक्सप्रेस इवन इट इज नॉट लीगली रिकॉग्नाइज। तो आर यू ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज इट डजंट सीम टू बी कि भाई सेंटर इज कोइंसाइडिंग विद दिस थॉट, दे माइट नॉट रिकॉग्नाइज द सेम सेक्स मैरिज लीगल मैरिज या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर प्रोविजन। सी, एट द एंड जितना स्ट्रांग आपका आर्गुमेंट होगा उतने स्ट्रांगली आप किसी को कन्विंस कर सकते हो। मुझे नहीं पता ऑनेस्टली अंदर क्या आया क्योंकि बहुत सारी न्यूज बाहर आई है, हम लोगों ने जितना सुना है हम लोगों को उससे यही पता है कि मैं, सी अगेन, मैं इस चीज पे नहीं कॉमेंट करूंगा कि आगे क्या होगा,
मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। मैं अपनी बुक पहले से यू नो सस्पेंस पढ़ के नहीं आ जाऊँगा कि पहले क्या हुआ मुझे पता नहीं है, या मैं अपनी बुक पीछे भी नहीं पढ़ता। जो चल रहा है मैं उसमें जीना चाहता हूँ कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। आगे नहीं करेगी नहीं मानेगी तो फिर लड़ेंगे। 20 साल से लड़ रहे हैं, 20 साल और नहीं लड़ सकते क्या हम लोग? आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द पार्लियामेंट व्हेन इट कम्स, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट द करंट गवर्नमेंट, इवन द प्रीवियस गवर्नमेंट, ओके, द कांग्रेस गवर्नमेंट इटसेल्फ, ओके, दे डिड यू नो प्ले अराउंड with us, they did not come clean on their stand on LGBTQ rights, okay? Right. Because the majoritarian view was not in our favor. Even right now, if you ask me, largely, if you keep the metro cities apart, okay, largely the country is still pretty, they have the reservations when it comes to LGBTQ rights, right? So obviously, our parliamentarians will have to look at what the majority is thinking, right? Hmm. Okay. So we don't have any high hope with the parliament, okay? Had the Supreme Court intervened and you know made changes to the Special Marriage Act, it would have been better, I would say. But it's not a total loss for us, no doubt. Right. You're still happy with what Supreme Court absolutely, has ordered, absolutely. Right? We can adopt a child. We can you know have all the mandatory benefits. These are the consequential laws which are obviously, right. obviously. All right, congratulations. I'm happy for you. Thank you so much. Thank you. So, जैसे इन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की भी बात की है, अब देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर इस बात का प्रोविजन तो नहीं किया गया कि आप स्पेशल मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं या सेम सेक्स मैरिज को, मैं माफी चाहूंगा, रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो कॉन्सिक्वेंशियल बातें थी, जैसे कि चाइल्ड अडॉप्ट करना, अपने पार्टनर को आप मेडिकल कंडीशन में किस तरीके से फर्स्ट नॉमिनी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर कुछ चीज़ें थी, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सेक्स को लेकर उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के अंदर सेक्स वर्ड मेंशन किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड सेक्स, उस सेक्स के डेफिनेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सेक्स सिर्फ बायोलॉजिकली आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इट ऑल्सो हैज टू बी अबाउट द सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल अपने आप को सेक्सुअली आइडेंटिफाई करता है, तो उन सब चीज़ों को भी लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो भी इंपॉर्टेंट था। और फाइनली लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसको लीड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, वो ही अब तय करेगी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप सेम सेक्स मैरिज को लीगली रजिस्टर करवा सकते हैं या नहीं। So I'm here to just hearing the verdict. You come here specially for the verdict? Yes. Oh my god, that's a great thing. So how are you feeling? Ab jo verdict aaya hai Supreme Court ne, halanki special marriage act ko legal recognition nahi de paya Supreme Court due to constitutional provisions aur jo restrictions the, lekin it looks like ki thoda inclination tha LGBTQI rights ki taraf, jo baatein kahi gayi hain, chahe adoption ka rights ho, medical claims ho. कैसा लग रहा? I'm not very satisfied, but of course we are happy and I think सारी community के लोग भी as happy होंगे. क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी वन इन द पैनल वेयर यू नो फेवर इन आर फेवर, तो इट्स अ बेबी स्टेप ऑफ कोर्स, धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होता है, लाइक इन 2016 वी हैव गॉट राइट टू प्राइवेसी एंड इन 2018 वी हैव गॉट 377 डिस्क्रिमिनेशन राइट, तो ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगे। ऑल्सो दे हैव टॉक्ड अबाउट दैट दे विल मेक ए कमिटी विच विल हेल्प अस टू रजिस्टर मैरिज एटलीस्ट एंड ऑल्सो अडॉप्ट ए चाइल्ड, so yes, like we're happy, we're welcoming this the hearing actually, right? So let's see, let's hope for peace and iske baad kya hoga, log khul ke aur bhi samne aayenge, log apni sexuality ko lekar, apni identity ko lekar samne aate hain, abhi apne pyar ko lekar log samne aana start karenge, you know, like बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम कल ही पैदा हुए हैं और कल ही हम अपने आप को प्योर डिक्लेयर किए हैं, ये ऐसी बात है जो 100 साल पहले से होता आ रहा है, राइट? तो अब सोचिए जहाँ पे इतने साल लोग झेल रहे हैं, तो कुछ और साल ही सही, एटलीस्ट शादी करके जिससे प्यार करते हैं उससे शादी तो कर पाएंगे, अपना माँ होने का, अपना बाप होने का जो फीलिंग्स है वो आम लोगों के सामने जाहिर तो कर पाएंगे, सोसाइटी के सामने खुल के तो आ पाएंगे, राइट? सो इट्स अ ह्यूज 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 सक्सेस, हिस्टोरिक मोमेंट फॉर श्योर। सिद्धांत, वन लास्ट थिंग, बेसिक अभी सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज नहीं हुई है, लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन इस वर्डिक्ट के बाद इट लुक्स लाइक कि सोसाइटी में कम से कम अवेयरनेस ज्यादा बढ़ेगा, एक एक्सेप्टेंस ज्यादा आने वाली है, तो मैं चाहूंगा आप प्योर कम्युनिटी की तरफ से सोसाइटी को एक मैसेज दें, क्या आप लोग कहना चाहेंगे टू द होल सोसाइटी, जो लोग अभी शायद समझ नहीं पा रहे हैं उतना, उनका मैं कहूँगा इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है और दे नॉट एक्सेप्टिंग, क्या आप उनको कहना चाहोगे? तो ये बात कोई लॉ की या कोई राइट्स की नहीं है, ये बात है एक इंसानियत की, है ना? मैं एक लड़का हूँ और मुझे प्यार करने का अधिकार है, तो सिमिलरली मुझे शादी करने का भी अधिकार होना चाहिए, और ये है कि हमारी परिवार हमें किस तरह से एक्सेप्ट करता है, लॉ तो हमें कभी ना कभी मिल ही जाएगी, हमारी राइट्स हमें कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी, हमारे परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। फैमिली को अभी तो फिलहाल सीख जाना चाहिए कि दैट LGBTQ कम्युनिटी, चाहे कोई भी सेक्सुअलिटी से हो, चाहे कोई भी जेंडर से हो, अपने ही बच्चे हैं, हम किसी पेड़ या पौधे में तो नहीं आते हैं ना, अपनी माँ बाप से को हिस्से हैं,
तो दे नीड टू बी एक्सेप्ट, फैमिली नीड टू बी एक्सेप्ट, सो दैट शायद हमें आगे जाके लॉ का एक्सपेक्ट करना की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको राइट्स को मिले ये एक्सपेक्टेशन रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब फैमिली एक्सेप्टेंस करेगा तो हमें शादी तो ऐसे भी कर सकते हैं. हमारे हिंदू वक्त में तो हम मंदिर में भी जाके शादी करते हैं. तो इट्स नॉट अबाउट लॉ, इट्स अबाउट हाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग अस, हाउ सोसाइटी आर एक्सेप्टिंग अस, हाउ हाउ वी आर बीइंग मेनस्ट्रीमिंग इन द सोसाइटी. नो इट्स नॉट कि हम आपकी फैमिली आपको किस तरीके से अभी जहाँ से मैं मेरा बर्थ प्लेस उड़ीसा है और आई एम लिविंग इन छत्तीसगढ़, दोनों ही इतने छोटे स्टेट है और लोगों का माइंड उतना ही कंजर्वेटिव है, यू नो. बट थैंकफुली माई आई एम प्रिविलेज कि मेरे फैमिली इतना पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी मैं एक ऐसा इंसान हूँ वो मुझे वैसे प्यार करते हैं. सो या लाइक तो लोगों को अपने इंसानियत के हिसाब से प्यार करना चाहिए कि ना कि बेस्ड ऑफ उनकी जेंडर क्या है, उनकी सेक्सुअलिटी क्या है. आई एम हैप्पी एट लीस्ट समथिंग हैज हैपेंड फॉर अस. आई वाज एक्सपेक्टिंग सेम सेक्स मैरिजेस टू गेट लीगलाइज्ड, बट अनफॉर्चूनेटली इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, सो द वर्डिक्ट इज़न्ट आउट. The main judgment isn't out. It was just reading down of personal judgments and articles. Right. And in that, I was pretty happy with what our CGI had to say. He has given a lot of... he's backed us basically. Yeah. And he's also given a lot of rights and everything. And he's also talked about anti-discrimination policies, the civil union, you know, adoption rights and all of that. And I'm pretty happy about it. Fingers crossed. Yeah, the inclination of the bench look towards the LGBTQI yeah. community. They wanted to give rights to the LGBTQI. Right, right. But ultimately, it was about the constitutional monarchy. What the bench said, ki bhai, ultimately, it will be the parliamentary committee to decide whether the same-sex marriages are going to be legally recognized. Are you optimistic? I'm not optimistic when it comes to government. Not at all. Honestly, not at all. If the government had to legalize it, they would have done it before. And we would have never had to knock the doors of the court. But whenever it comes to our own rights, and this is a basic human right, why don't you think that a man can get married to a man? Lavender marriages is a concept which is all around the world, and it's also very prominently in India. When you talk about it, you should see that when a lesbian girl is getting married to a heterosexual man or a heterosexual girl is getting married to a gay man, at that point of time the entire relationship is so toxic, parenting, the family isn't in a good state, right. Just for the society you're doing it. By the way, parents need to understand that, you know, society isn't anything, they are the society for the children. Right. Also, the ban said that the police cannot force the queer personalities to go back to return exactly, to their home. Exactly, that's something that I was very happy about, that fortunately there's no going back whenever you have tried moving out. But you know, despite living in India, we do not feel as if we're safe here. So a more inclusive and a safe environment is something that we're looking forward to. So the observations which have been made today, like about adoption of the child and the medical conditions and the other things, do you think the things are going to be changed a little bit after these observations? Absolutely, yes. Because the Indian society or the society all over the world, they learn from what they see. And whenever they see something happening, they try to pick that trend up. You know, right. It's not a trend, it's a process. It's something which has been happening since a long time. When you go to Khajuraho temple in Chhatarpur, or when you go to Karnak temple in Orissa, you get all these beautiful depictions where, you know, men and women are all together. Whether they are with a man or with a woman, it doesn't really matter. Right. You know? So it's been in our ancient Indian, you know, what do you call ancient it? Ancient history. Yeah, the history. It's been in the history. Yeah. And when you talk about it, there's also a very beautiful depiction in Delhi itself. This is Jamali Kamali Tomb, right. Where the makarba is of a man along with another man in place of his wife. So homosexuality has been very prominently there in India. When you say that we have never existed, I'm so sorry, I cannot agree with you. Right, but I'm happy for you that the court has ultimately end up, you know, observing some things which are in favor of the community. Yeah, but true. Parallelly, I'll say the fingers are still crossed with the parliamentary community one day. All right, true. Congratulations, thank all the best. Thank you so much. So this is what the sense here in this lawn is, ki jo observation court ne diya, halanki pura verdict abhi nahi aaya, lamba verdict hota hai, lekin आप उसको वर्डिक्ट ही मान के चलिए जो कोर्ट ने कहा है, जो ऑनरेबल सीजीआई साहब ने कहा और 5 जजेस की बेंच ने कहा कि देखिए हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कुछ ऐड भी नहीं किया जा सकता, ये कोर्ट की
पावर के बाहर है, आसान भाषा में आप इसको समझना चाहें तो। लेकिन कोर्ट ने कुछ अपने ऑब्जर्वेशन बताए कि आपको सेक्स का डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा, जो LGBTQI कम्युनिटी से लोग आते हैं उनको रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, आप उनको कोई भी यूनियन बनाने से नहीं रोक सकते हैं। पुलिस को बेहतर एक्ट करने की सलाह दी गई कि भाई आप कम से कम जो क्यूर पर्सनैलिटी के लोग आपके पास शिकायत लेके आ रहे हैं उनको वापस घर जाने के लिए मजबूर ना करें, इस तरह की तमाम बातें की गई। लेकिन सेंटर का जो रवैया है उसको लेकर जैसे आपने उनसे सुना कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, क्यों ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे उसका एक रीज़न मैं आपको बताऊँ। तो सेंटर का रवैया बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है सेम सेक्स मैरिज के लीगल रिकॉग्निशन को लेके। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने ये कहा था कि देखिए जब 2018 में आपने डिक्रिमिनलाइज करवाया सेम सेक्स रिलेशनशिप को, तब तो आपने सेम सेक्स मैरिज की बात नहीं की थी, ना ही सेम सेक्स मैरिज फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब का टेक था सेंटर की तरफ से। तो जब ये फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं आता है, ना ही आपका सेम सेक्स रिलेशनशिप ये इम्प्लाई करता है कि आप राइट टू मैरिज के लिए भी अब जो है आप क्लेम कर सकेंगे, तो फिर ये सेम सेक्स मैरिज का जो डिस्कशन है सेंटर के हिसाब से ये एक सोशल कंडीशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और इसलिए इसको एक सिर्फ लीगल प्रिविलेज या आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नज़रिए से नहीं देख रही है सेंटर गवर्नमेंट। इसीलिए जो लोग हैं उनके मन में थोड़ा सा अभी झिझक है कि भाई चलिए कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ठीक है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज की जो लीगल रिकॉग्निशन की बात है कि पार्लियामेंट की कमिटी वो डिसाइड करेगी, उसको लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म इस वजह से अभी नहीं है। कुछ डिबेट्स जो सॉलिसिटर जनरल साहब के थे वो मैंने आपको बताए। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 15 की बार बार बात आ रही है, मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। आर्टिकल 15 के अंदर कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड जेंडर नहीं किया जा सकता, वही आर्टिकल 15 जिसके अंदर सेक्स वर्ड के डेफिनेशन के ऊपर आज बेंच ने कहा है कि इसके ऊपर आपको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, इसके अंदर आपको सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। आर्टिकल 19 के अंदर बात होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड कम्पैशन। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या सेंटर गवर्नमेंट का ये कहना था कि एक्सप्रेशन ऑफ लव या कम्पैशन के लिए आपको कोई फंडामेंटल राइट या लीगल रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, वो बिना उसके भी किया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ डिबेट्स रखे जा रहे थे। अब देखना होगा कि पार्लियामेंट कमेटी या जो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब जिस कमेटी को लीड कर रहे हैं वो किस तरीके से अब इस पूरी कॉम्प्लेक्स मैटर पर आई वुड रेदर से अपना कोई भी रिपोर्ट सबमिट करती है।